कनौसी में सपा पार्षद जीतू यादव ने सपा सुप्रीमो अखिलेश का किया अभिवादन। आगरा एक्सप्रेसवे के रास्ते लखनऊ आ रहे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का सपा पार्षद देवेंद्र सिंह यादव उर्फ जीतू ने सपा कार्यकर्ताओं के साथ स्वागत व अभिवादन किया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बड़ी जीत के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों में खुशी की लहर देखी जा रही है। इसी क्रम में अखिलेश यादव के लखनऊ आगमन के समय कानपुर रोड नहरिया चौराहा से दुबग्गा हाईवे पर पार्षद जीतू यादव के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने अनुशासित ढंग से पार्टी का झंडा लहराकर अपने नेता का स्वागत किया। वहीं गाड़ी में बैठे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए हाथ हिलाए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में बड़ी सफलता मिलने के बाद लोकसभा चुनाव में समाजवादी के कार्यकर्ता पदाधिकारी काफ़ी उत्साहित हैं और आज अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जो कि इस हरदोई बाईपास मार्ग से आवास की तरफ जा रहे थे, इन लोगों का अभिवादन इन लोगों ने किया है और ज़ोरदार ढंग से अभिवादन किया है। इसी क्रम में आप देख रहे हैं कि देवेंद्र कुमार सिंह पार्षद हैं यहाँ के स्थानीय और इनको जीतू भैया के नाम से लोग यहाँ ज़्यादा जानते हैं। आपके नेतृत्व में ये युवा आज अखिलेश जी का अभिवादन किए हैं, क्या कहना चाहते हैं इस बड़ी सफलता के बाद? इस बड़ी सफलता के लिए पीजे नायक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का बहुत योगदान रहा, जिन्होंने सभी समाज का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया और जनता ने बड़ी समझदारी से इस बार वोट किया। वो हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद इन सब किसी झगड़े में नहीं पड़े, वो केवल विकास के मुद्दों पर उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को चुना। देखा जा रहा है आज चिलचिलाती धूप में आप लोग घंटे से अपने अध्यक्ष जी का इंतजार कर रहे थे, इस रास्ते से गुजरेंगे, उनको शुक्रिया अदा करेंगे, उनका अभिवादन करेंगे। हमारे नेता के सम्मान में अगर हम लोगों को 24 घंटे भी खड़ा होना पड़े तो भी उसके लिए हम लोग तैयार हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस तरह से कड़ी मेहनत दिन रात एक करके देश को एक नई राह दिखाई है, पिछले दलितों को एक नई उम्मीद जगी है, उसके लिए तो हम लोग का ये छोटा सा योगदान कहीं गिनती में भी नहीं आता। कहा तो यह भी जा रहा है कि यदि इस समय विधानसभा का चुनाव करा दिया जाए तो पूर्ण बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी। देखिए, विधानसभा चुनाव में भी हम लोग की सरकार बन गई थी, आप लोग देख लोगे जिस तरह मीडिया ने एग्जिट पोल में इस बार धोखा देने की कोशिश की, हम लोग पहले से सजग थे तो वो कामयाब नहीं हो पाए। इसी तरह विधानसभा चुनाव में उन लोगों ने गड़बड़ करके, जनमत तो समाजवादी पार्टी के साथ था लेकिन धोखे से भारतीय जनता पार्टी आई। एक बात और देखी गई, इस बार जो है स्ट्रांग रूम में जहाँ पे ईवीएम मशीन रखी गई थी, आप लोगों ने जिस तरह से पारा दिया है तो कुछ गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए, किंतु ऐसा कुछ हुआ नहीं इस बार। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पहले से ही अंदेशा था ये लोग गड़बड़ करेंगे, इसलिए उन्होंने पहले से कार्यकर्ताओं को सजग कर दिया था। सारे एक एक कार्यकर्ता पहले से मुस्तैद था, किसी तरह की कोई गड़बड़ होती तो प्रशासन संभाल ना पाता। उसी का परिणाम रहा कि हम लोग इतनी ज़्यादा सीटें लेके आए और कई जगह जहाँ पर इनको मौका मिला वहाँ पर इन्होंने सर्टिफिकेट नहीं दिया, हम लोग कोर्ट गए हैं, आने वाले समय में उस पर भी निर्णय हो जाएगा। तो आप हैं देवेंद्र सिंह यादव जी, जो कि वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी हैं और आज जिस तरह से इन लोगों की मेहनत इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में देखने को मिली है, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की एक बड़ी जीत हुई है। पूरी दुनिया, पूरा देश इस बात को जान गया है कि उत्तर प्रदेश में नंबर एक की पार्टी एक बार फिर समाजवादी पार्टी उतरी है और आज ये लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इस हाईवे पर अभिवादन कर रहे हैं। सुनील पाल के साथ उमेश विश्वकर्मा, सी न्यूज़ भारत।